हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई थी बाखर बड़ी, तो सोचा चलिए अपनी जो यूट्यूब की फैमिली है उसके साथ शेयर की जाए। मैं पहले सोचती थी कि बाखर बड़ी बनाना बहुत ही टफ काम है, पर एक बार मैंने ट्राई किया कि चलें थोड़ी सी बना के देखी जाए यह कैसे बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है, और इसके अंदर का जो मसाला है बिल्कुल मार्केट के टेस्ट जैसा बना है। ये देखिए इसका मसाला, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि क्या क्या मैंने ऐड किया है और कैसे बनाया है। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और इस मसाले और भाखरबड़ी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि आप भी जरूर यह रेसिपी बना सकोगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाएंगे बाखरवड़ी का डो, जिसके लिए मैं 2 कप मैदा यूज करूंगी। आप चाहो तो गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हो, पर इसमें जो टेक्सचर है वो मैदा से ही आएगा, तो आप मैदा ही यूज कीजिएगा। अब मैं 3 बड़े चम्मच बेसन लूंगी। बेसन इसमें कंपलसरी है, इससे ही थोड़ा हमारा जो टेक्सचर आता है बेसन से ही आता है। अब इसे मैं अच्छे से छान लूंगी, जिससे इसमें जो मोटी डेलियां हैं ये देखिए वह निकल जाएंगी। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो भाखरवड़ी जो है बिल्कुल मार्केट के जैसी जो आती हल्दीराम का पैकेट, वैसे ही हमारी भाखरवड़ी बनेगी। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी, और अब इसमें मैं 1/2 स्पून अजवाइन, और अजवाइन को हाथ पर लेकर हल्का सा हाथ से क्रश करके डालना है, जिससे इसमें अजवाइन का फ्लेवर और अच्छा आता है। आप वैसे भी डालोगे डायरेक्ट तो भी फ्लेवर ही अच्छा आएगा। अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक और अजवाइन अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम 2 कप मैदा में 1/4 कप मोमन डालेंगे तेल। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल को मैदा में इतने अच्छे से मिक्स करना है कि मैदा हमारी बिल्कुल ऑयल को सोक कर ले अच्छे से। ये देखिए ऑयल मैदा में अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो चुका है, इसका बड़े आराम से लड्डू बन रहा है। मेरे को कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, इसका मतलब इसमें ऑयल बिल्कुल सही है। अब हमें और नहीं डालना है। अब मैं रूम टेम्परेचर का 1 कप पानी लूंगी, और इससे हमें मैदा को सॉफ्ट न ज़्यादा हार्ड डो तैयार कर लेना है मैदा का। तो इसका मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैदा का डो बनके तैयार है, जैसा हमारा मटरी का होता है उस टाइप का हमने डो तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल का हाथ लूंगी और मैदा के ऊपर लगा दूंगी, जिससे हमारी मैदा सूखेगी नहीं, क्योंकि अभी हमें इसे 20 से 30 मिनट का रेस्ट देना है। तो इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे अच्छे से, मैंने 2 बार लगा दिया है ये देखिए, और पूरी तरह से ऑयल को अच्छे से मैदा के ऊपर कोट कर देंगे। फ्रेंड्स जब तक मैं आपसे कहूंगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियोस रेसिपी पसंद आई हो। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस शेयर की हैं, तो जाके चेकआउट जरूर करें। अब मैं इसके ऊपर एक गीला कपड़ा, हल्का सा गीला कपड़ा ढक दूंगी और इसे 20 से 30 मिनट का रेस्ट दूंगी। और ये देखिए हमारा 1 कप पानी में से 1/2 कप पानी लगा है। अब हमें चलिए इसके आगे का प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बनाएंगे भाखरवड़ी का ये मसाला, जिसमें थोड़ी सी मिठास होती है, थोड़ा सा तीखापन होता है और थोड़ा सा नमकीन होता है। यह कैसे मीठा होता है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं और कैसे बनाया जाता है, तो यह सब मैं आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो यह बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए एक पैन लेंगे और उसमें हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, जिसमें मैं 1 स्पून जीरा, 2 स्पून धनिया,
टू स्पून सफेद तिल, टू स्पून सौंफ। फ्रेंड्स मैं एक स्पून सौंफ डालना भूल गई थी, मैंने बाद में डाली थी, आप टू स्पून सौंफ लीजिएगा। टू स्पून नारियल का बुरादा, यह आपको मार्केट में मिल जाएगा या घर में भी नारियल आप घिस कर यूज कर सकते हो। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें जब तक इसमें से एक सौंधी सी भुनने की स्मेल नहीं आने लगती, खुशबू नहीं आने लगती, जब तक हमें इसे भून लेना है, जिससे हमारे इन मसालों में जो भी मॉइस्चर है वह खत्म हो जाएगा। इनका सबका अपना अपना फ्लेवर है, तो यह सारे इंग्रेडिएंट्स लेना जरूरी है, आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें हमें अच्छी सौंधी सी खुशबू आने तक भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले भुन चुके हैं, इसमें से कितनी अच्छी भुनने की खुशबू आने लगी है। मेरे को इसे भुनने में 2 मिनट लगे। अभी फ्लेम को मैंने ऑफ करके पैन को नीचे उतार लिया है, तो इस स्टेज पर अब हमें इसमें सूखे मसाले मिलाने हैं, जिसमें 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब पैन गर्म है तो इसी में हमें थोड़ी देर इन्हें भून लेना है। बाखरवड़ी का मसाला हमारा देखने में कितना कलरफुल लग रहा है और वाकई में यह खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसमें जो अभी और कुछ मसाले ऐड किए जाएंगे तो वह मैं कम्प्लीटली ठंडे होने के बाद जब इसे ग्राइंड करूंगी जब ऐड करूंगी। फ्रेंड्स आप एक बार यह रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब बनाई थी मेरे घर में सभी को पसंद आई थी, और आप जब यह रेसिपी ट्राई करोगे मेरे वीडियो के हिसाब से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी नहीं रह पाओगे। तो फ्रेंड्स यह अब भुन चुके हैं मसाले, अब इन्हें हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। मिक्सी के जार में ट्रांसफर करने के बाद इसमें मैं 3 स्पून चीनी ऐड करूंगी। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ एक टिप देना चाहूंगी, अगर चीनी कम रखना चाहते हो तो कम रखें। मैं एक मीठी चीज और यूज करने वाली हूँ जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब इसे हमें दरदरा पीस लेना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है, अब इसे बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं सारे आपको लेने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना। इसमें सभी के अपने अपने एक फ्लेवर होता है तो उससे टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए कितना दरदरा है, इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इसे दरदरा रखा है, पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तो आपको भी ऐसा ही दरदरा पीस लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स अपन बाखरवड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब बाखरवड़ी के डो को रखे हुए 1/2 घंटा हो चुका है, तो इसका कपड़ा हटाकर अपन देखते हैं। ये देखिए यह बिल्कुल सेट हो चुका है, तो हाथ से इसे थोड़ा सा एक सासा कर लेंगे अपन और इसकी एक छोटी लोई बना लेंगे, ना ज़्यादा छोटी और ना ज़्यादा बड़ी, मीडियम साइज की इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए इतनी बड़ी हम लोई लेंगे इसकी और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ एक सासा कर लेंगे। और मैं प्लेटफॉर्म पर बना रही हूँ, मैंने इसे अच्छे से पहले साफ कर लिया है और इसे हमें बेल लेना है। इसे हमें न ज्यादा पतला और न ज्यादा मोटा बेलना है। फ्रेंड्स अगर आप मेरी रेसिपी के अनुसार बनाओगे तो आप भी बाजार से लाना भूल जाओगे, बाखरवड़ी हमेशा घर में ही बनाओगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वह बिल्कुल मार्केट के बाखरवड़ी जैसा ही है जैसे मार्केट में आती है। और आगे आप देखोगे कि जो देखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे इतना पतला बेल लिया है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा मैं एक बार पास से और दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसे कितना पतला बेला है। ये देखिए इससे ज़्यादा पतला या मोटा नहीं बेलना है। अब हमें क्या करना है, आगे एक नाइफ लेना है
और इसके साइड को हल्के हल्के कट कर देना है चारों तरफ से, थोड़ा इसका शेप देने के लिए। अगर आपको कट नहीं करना है तो ना करें, मैं तो बस थोड़ा सा शेप देने के लिए इसे साइड से कट कर लिया है, जिससे यह इसका बाखरवड़ी का शेप आ जाएगा थोड़ा। ये देखिए, हमें इसके स्क्वायर शेप में कट कर लेना। अब हमें ये सौंठ लेनी है मीठी। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि आगे मैं एक मीठी चीज और यूज करने वाली हूँ, वह यही है सौंठ, मीठी सौंठ, जिससे एक टैंगी सा फ्लेवर आता है। यह नॉर्मल घर की बनी सौंठ है जो खट्टी मीठी है। आपके पास रखी है तो आप वो यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बना लीजिएगा। मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास रखी थी और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने सौंठ नहीं बनाई थी। अब इसके ऊपर हमें ये हमारा जो मसाला है बाखरवड़ी का बनाया था वह स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। सौंठ जहाँ जितनी एरिया में हमने सौंठ लगाई है उतनी एरिया में हमें इस मसाले को स्प्रेड कर देना है। मसाला अपने हिसाब से कम ज्यादा फिल कर सकते हो, अगर आपको कम रखना है तो आप कम डालिएगा, और अगर ज्यादा अच्छे से रखना है तो आप इसमें अच्छे से मसाला फिल कीजिएगा। मैंने थोड़ा अच्छा रखा है क्योंकि अगर बाखरवड़ी में मसाले का टेस्ट ही नहीं आएगा तो वह बाखरवड़ी ही क्या, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से मसाला फिल करूंगी। अब बेलन लेंगे हम और उससे हल्का सा इसे दबा देंगे, जिससे क्या है मसाला अच्छे से सौंठ पर चिपक जाए और वह सेकते समय बाहर ना आए। आप चाहो तो हाथ से भी दबा सकते हो। अब मैं इसके साइड से हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा किनारे को पतला कर लूंगी और इसे उठाते हुए हमें रोल करना है इस तरह से। ये देखिए, रोल हमें थोड़ा टाइटली करना है जिससे बाखरवड़ी का मसाला जो है अच्छे से आटे से चिपक जाए और सेकते समय वह बाहर ना निकले। तो हमें टाइट करके इसका रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा टाइटली, ये देखिए। अब मैंने जो एरिया छोड़ा है थोड़ा सा साइड से उसे दबाएंगे अच्छे से, थोड़ा पतला कर लेंगे इस तरह से प्रेस करते हुए फिंगर से। उससे क्या होगा, जब हम बाखरवड़ी का मुंह बंद करेंगे तो वह सेकते समय खुलेगा नहीं। अब इसके ऊपर हम सादा पानी अच्छे से लगा लेंगे जिससे यह अच्छे से चिपक जाए, खुले ना। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर अच्छे से पानी लगा लिया और रोल करते हुए इसे अच्छे से चिपका दिया है। ये देखिए, अब मैं एक बार और इसके ऊपर से अच्छे से दबा दूंगी इसके किनारे को। इसलिए करना पड़ रहा है कि सेकते समय यह खुल ना जाए और हमारा जो बाखरवड़ी का मसाला है वो निकल ना जाए। और इसे हमें इस तरह से थोड़ा सा रोल कर देना है टाइटली मसाला, जिससे और अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, पास से आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से रोल कर लेंगे अपन। अब हम एक नाइफ की मदद से इसके पहले साइड से हल्का सा कट करके निकाल देंगे जिस पर हमारे मसाला नहीं लगा है। अब हमें मार्केट में जो बाखरवड़ी आती है उसी शेप की इसे कट कर लेना है पूरे डो को। आप चाहो अपने हिसाब से जितना भी छोटा बड़ा साइज देना है वह साइज दे सकते हो। मैंने इसे नॉर्मली जो आता है मार्केट में वह साइज दे दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ सभी के साथ शेयर करें, और कैसी लगी है उसके लिए कमेंट लाइक भी जरूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे डो को मैंने कट कर लिया है। अब एक पीस उठाकर हमें इस तरह से दबा देना है हल्का सा, जिससे क्या है जो मसाला है इसके ऊपर वह अच्छे से चिपक जाए और खुले ना, बाहर ना निकले। ये देखिए, आपको देखने में बिल्कुल लग रहा है ना जैसे मार्केट में आती है हमारी बाखरवड़ी, उस तरह की।
इस तरह से हमें सारे बाखरवड़ी को दबा देना है हल्का हल्का सा। ये देखिए मैंने सारी बाखरवड़ी को इस तरह से दबा दिया। ये देखिए हमारा बाखरवड़ी का लुक कितना अच्छा आया है। अब इसी तरह हम उसी साइज की लोई लेंगे एक और बाकी की बाखरवड़ी भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बाखरवड़ी बनके तैयार है सारी डो की। ये देखिए इनका लुक बिल्कुल आपको लग रहा है मार्केट जैसा देखने में। अभी सेकेंगे तो और अच्छा कलर आ जाएगा। तो चलिए बेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बेक करने के लिए मैंने जो कुकिंग ऑयल होता है वह गर्म करने रख दिया है। ऑयल को हमें ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा रखना है। ऑयल अब गर्म हो चुका है तो अब पहले हम थोड़ा सा मैदा डाल के देखेंगे। ये देखिए ये इसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसी टेम्परेचर का ऑयल गर्म करना है। अब फ्लेम को हम लो कर लेंगे और इसमें बाखरवड़ी डालते जाएंगे। हमें ज़्यादा बाखरवड़ी एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके ही हमें बाखरवड़ियों को तलना है। अगर एक साथ डालेंगे तो सेकने में दिक्कत आएगी और बाखरवड़ी अच्छे से नहीं सिक पाएंगी। तो देखिए मैंने बस इतनी बाखरवड़ी डाली है, इससे ज़्यादा अब नहीं डालेंगे। अब हमें अभी इसमें स्पैचुला नहीं लगाना है, इसे हमें थोड़ी देर ऐसे ही बेक होने देना है जिससे हमारे साइड से हल्का इन पर कलर आ जाए। तो चलिए फ्रेंड थोड़ी देर बाद ये देखिए अब हमें इसे स्पैचुला से फ्लिप करना है। ये देखिए यह थोड़ी सी बेक सी दिख रही है हल्की सी बिल्कुल। तो इस स्टेज पर हम इन्हें फ्लिप करते हैं। अब हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें बेक कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और इसे सेकने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। थोड़ा आराम से इन्हें बेक करना है जिससे यह अंदर तक अच्छे से बेक हो जाए। तो अब इन्हें हमें फ्लिप करते हुए लो फ्लेम पर बेक कर लेना है जब तक इनका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन न हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स बाखरवड़ी का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए अब हमें इन्हें ऑयल से निकाल लेना है। ये देखिए इनका कलर बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडी होने तक थोड़ा कलर और डार्क हो जाएगा। तो एक छलनी पर इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे जिससे हमारा थोड़ा एग्जिस्ट ऑयल निकल जाएगा इनका। अब एक प्लेट में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए इनका कलर टेक्सचर बिल्कुल लग रहा है मार्केट जैसा। अब हम बाकी की बाखरवड़ी को भी इसी तरह से बेक कर लेंगे। पर याद रखिएगा हमें थोड़ा बाखरवड़ी सेकने के लिए टाइम लगेगा, ज़्यादा जल्दी नहीं कीजिएगा। इन्हें आराम से सेकिएगा और थोड़ा कम ऑयल में डालिएगा। तो इसी तरह हम पूरी बाखरवड़ी सेक लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बाखरवड़ी बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुई हैं और इनका कलर टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ऐसे ही बाखरवड़ी बनानी है। तो फ्रेंड्स आपने सुनी इसकी आवाज़ कितनी खस्ता एंड क्रिस्पी लग रही है। ये देखिए ये केक हमारी बाखरवड़ी बिल्कुल मार्केट जैसी है। ये देखिए एक एक बाखरवड़ी का कलर टेक्सचर रूप बिल्कुल मार्केट जैसा है। मैं आपको एक बाखरवड़ी तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए इनके अंदर की फिलिंग मसाला बिल्कुल सही है। हमें ऐसे ही बाखरवड़ी बनानी है। तो देखा फ्रेंड्स आपने बाखरवड़ी बनाना कितना आसान है। इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चाय को एक बार आप बनाकर रख लीजिएगा और शाम को चाय के साथ सभी को सर्व कीजिएगा और आपके घर जो मेहमान आए उन्हें भी खिलाइएगा। तो आपकी सभी तारीफ करेंगे,
फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कैसी लगी है उसके लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।